हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज है स्पेशल, बनेगा टमाटर की चटनी, देसी चील में पिसी हुई टमाटर की चटनी। तो उसके लिए हम लेने के लिए जाएंगे हमारे बगीचे में ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश टमाटर और धनिया पत्ती और हरी मिर्च, सब हमारे मतलब किचन गार्डन में अवेलेबल है। वहाँ चलते हैं, फिर लेके आएंगे और फिर बनाएंगे टमाटर की चटनी। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अभी बाड़ी तरफ थोड़ा सा घूम के भी आते हैं और टमाटर भी तोड़ के ले आते हैं। और देखिए, ये है हमारा बाड़ी बगीचा और किचन गार्डन और भी है, और एक साइड भी लगाए हैं, धनिया पत्ती भी लगाए हैं। इस बार तो धनिया पत्ती बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है, और एक जगह में लगाए हैं वो तो बहुत ही अच्छा हुआ है। और देखिए टमाटर, ये चूहे भी ना हर जगह उतर देते हैं, कितना सारा टमाटर भी खा डाले हैं चूहे, क्या करेंगे, उनका भी तो खाना रहता है, उनका भी भोजन है। और देखिए मैं धनिया पत्ती भी तोड़ ली और टमाटर भी ले आई हूँ। और देसी टमाटर वाली चटनी तो बहुत ही अच्छी लगती है, इसको तो ऐसे ही भून के बनाते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं तो कच्चा, मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं कच्चा ही बनाती हूँ। और ये कल का ब्लॉग है फ्रेंड्स, ये संडे का। और देखिए हम फूलगोभी भी लगाए हैं, बहुत ही सुंदर हुआ है। और ये धूप थोड़ी सी ज़्यादा हो रही थी इसीलिए क्लियर नहीं दिख रहा है वीडियो। और अभी पीसेंगे हम टमाटर की चटनी, तब तक मिल लीजिए। ये है मेरी एक भांजी, वो आई थी और ये नाश्ता कर रही हैं, सुबह सुबह आई थी घूमने के लिए, तो थोड़ा सा मैं सोची उनसे भी आप लोगों को मिला देती हूँ। बहुत ही सुंदर क्यूट सी हैं, मैं तो उनको बहुत तैयार की थी पर वो सब मिटा दी हैं जितना तैयार की थी मैं। और देखिए अब हम चटनी पीसने की तैयारी करते हैं। और इसमें जो टमाटर में जो बीज रहता है, उसका रस्सा रहता है, उसको सब निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर रस्सा रहता है तो उसको पीसेंगे तो उतना टेस्ट नहीं लगता है। और चैनल पे अगर कोई नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। आप लोग सब वीडियो देखते हैं लेकिन एक लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और गांव देहात में तो हम ऐसे ही बनाते हैं, ग्राइंडर में भी करते हैं लेकिन उसका टेस्ट तो उतना मज़ा नहीं आता है जैसे सिर में पिसी हुई चटनी के, तो कुछ मज़ा ही और है। और ये संडे का स्पेशल था इसीलिए बस इसी को ही मैं ब्लॉग में दिखा रही हूँ, और ज़्यादा कुछ मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि संडे को बहुत ही काम रहता है। और इसके साथ मैं बनाई थी बड़ा, बहुत ही टेस्टी और यमी बना था, मस्त फूला फूला हुआ था। और आगे ब्लॉग में देखते हैं। चटनी तो पीस के रेडी हो गया, बाबू था मेरे साथ में तो थोड़ा सा वो भी वीडियो बना लिया है, पीछे पीछे आ रहा था, मुझे बोला कि थोड़ा चटनी को दिखा दूँ, तो मैं उसको चटनी को भी दिखा देती हूँ, देखो कैसे बना है कह के। और अभी हम बनाएंगे बड़ा, तो देखिए मैं थोड़ा ऐसे ही बनाती हूँ, बीच वाली उंगली को अगर बड़ा बनाते समय थोड़ा ऊपर पोर्शन में कर देंगे तो बड़ा में बीच में छेदा बन जाता है और पूरा खरीदा हुआ बड़ा जैसा दिखता है ना, ठीक उसी तरह दिखता है ये भी बड़ा। बहुत ही अच्छा सुंदर दिख रहा था, फूला भी था, सॉफ्ट भी बना था, और संडे में स्पेशल यही बना था। तो फ्रेंड्स हमारा बड़ा और चटनी हो गया रेडी, और अभी हम खाएंगे बड़ा और चटनी, साथ में है एक लबंग लता, उड़ीसा का पूरा फेवरेट है ये। और बड़ा और चटनी कैसी बनी है ज़रूर बताइएगा, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।